भाई ऋषिकेश आ रहे हो और खाने के लिए भटक रहे हो, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए है। इसमें मैं दो रेस्टोरेंट में गया हूँ, एक राजस्थानी वाले और एक चोटी वाला। तो कौन सा बेस्ट है? मेरे को राजस्थानी बेस्ट लगा। इसमें प्राइस भी कम है, खाना भी अच्छा है। बाकी चोटी वाले में मैंने खाना क्यों नहीं खाया इसमें आप पूरी वीडियो देखेगा। मेन रीज़न जो था प्राइस का ही था इसलिए। तो भाई वीडियो जो है पूरी देखना। अगर आप आ रखे हो ऋषिकेश और इनकेस अगर आपने मिस कर दिया या दर बदर भटक रहे हो और ऋषिकेश आना चाह रहे हो कि कहाँ पे किस रेस्टोरेंट में खाए, तो राजस्थानी चले जाना बेझिझक। और दूसरी चीज़, वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और बाकी आज भाई मिल गए हैं, ये यहीं पर ही रहते हैं। आज कहाँ पे भाई? यहीं चौरसिया मंदिर, चौरसिया आश्रम है, 5 नंबर गली पे। बाकी भाई किसी को भी रूम चाहिए हो फ्री में भाई दिला देंगे, एकदम दिला दोगे ना? फ्री में एकदम? हाँ फ्री में तो नहीं, बट भाई हाँ सस्ता दिला देंगे, 3-4 हज़ार के अराउंड। तो भाई आज संडे है और मतलब भीड़ होगी थोड़ी बहुत, इतनी तो नहीं होगी जितनी चार उस वक्त पड़ी थी। क्या ये गांधी जी जब पड़ा था, गांधी जयंती जब पड़ी थी। हाँ तो अभी भाई कई लोग आते हैं दूर दूर से और भटकते रहते हैं कि क्या खाएं। मतलब स्ट्रीट फूड तो यहाँ का मेरे को पता नहीं, स्ट्रीट फूड में क्या फेमस है यहाँ? स्ट्रीट फूड में अभी ये तो पता नहीं, लेकिन इन्हें भी नहीं पता भाई। हाँ बट हाँ, अगर तुम्हें रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो तो भाई मैं तुम्हें रेस्टोरेंट दिखाऊंगा, एक राजस्थानी दिखाऊंगा, मुझे नहीं पता था। तो ये बता रहे हैं कि राजस्थानी में हर स्टेट की डिश मिलेगी, है ना? हर स्टेट की डिश। और भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि राजस्थानी फेमस हो गया उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड का खाना फेमस होना चाहिए था। राजस्थानी हाँ, भंडार कह के पूरी देसी घी से वहाँ खाने खाना बनता है। देसी घी भाई, देसी हाथ लगाता है अपने वो डेली। तो भाई अब राजस्थानी का जो एड्रेस है वो मैं बता रहा हूँ, ये है भाई त्रिवेणी घाट। कौन सा बाजार है? मेन मार्केट, ये है मेन मार्केट ऋषिकेश, मेन मार्केट ऋषिकेश का। और ये भाई राजस्थानी किसी से भी पूछोगे ना, मजाक नहीं कर रहा भाई, गाय भी बता देगी राजस्थानी कहाँ पर है। ये यहाँ पे बैठ रखी है पहले से। और हालांकि आज इतनी अभी इतनी भीड़ नहीं है, और ना भाई बाहर खड़े रहोगे, अभी रात का टाइम दिखाऊंगा ना। हाँ हक दोगे भाई अपने बाथरूम में ही, इतनी भीड़ रहती है। आ जाओ। तो बाहर जो है समोसे वगैरह मिलते हैं और अंदर जो है भाई जगह नहीं मिलती, जगह मतलब मुश्किल से मिलती है। किस्मत है, किस्मत की लकीर लिखवा के आओ। बाकी भाई आपको यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ऐसे गाने चलते हुए नजर आ जाएंगे भगवान जी के। देना भाई ये दे देना, दो समोसे। बाकी भाई अगर जब भी या तो पैसे कटवाओगे तो पर्ची भी लेगी। नहीं खाने हैं, खाने तो ये भाई अभी फ्रेश बने हैं, नहीं अलग 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 अलग। तो भाई अभी कर दी। तो भाई अभी जो है समोसे मंगा लिए, हालांकि इसका खाना भी ट्राई कर रखा है हमने, मैं और पापा थे साथ में, तब पापा ने खर्च करे थे, अभी तो मैं अकेला हूँ तो इतना कुछ खा नहीं रहा। बाकी दो समोसे और दो कॉफ़ी मंगाई है, तो 2-3 दिन हो गए मेरे को भाई कॉफ़ी मंगाते हुए, और कॉफ़ी अच्छी बनाता है, मशीन की बनाता है। बाकी यहाँ पे खाना और मिठाई, भाई मिठाई में मैंने इसकी रसमलाई हो गई और 2-3 मिठाई और है, जैसे एक तो मलाई वाली है जो 60 रुपये में आती है, काफ़ी अच्छी है। बाकी भाई और चीज़ दिखाता हूँ आपको, बाकी आपको और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने टैग लाइन्स यूज़ कर रखी हैं, ये देखो, माता पिता एवं गुरु आज्ञा मानने वाले मनुष्य उन गुरुजनों का आशीर्वाद में सदा ही सुखी रहता है। संसार में रहकर सब काम करो पर ख्याल रखो भाई ईश्वर में लक्ष्मी नहाट न जाए। जो मनुष्य आनंद और शांति चाहते हैं रहे आनंद और शांति सागर श्री भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। तो भाई ये सब लिखा हुआ है। बाकी ये इनका किचन है, यहाँ पे ये किचन है, अभी दिखाऊंगा थोड़ा सा अगर परमिशन मिली तो, वरना मेरे को ना बूंदे अंदर। और बाकी भाई अभी कॉफ़ी आने वाली है तुम्हारे भाई की, बाकी पूरा भाई बढ़िया है। और अंदर बर्तन धुलते हैं और जगह काफ़ी बढ़िया है, बट इतनी नहीं है अगर। तो भाई अभी ढोकला और एक ये मंगाया रसमलाई, बाकी मैं आपको जो है वो बता दूँगा यहाँ का मेन्यू कार्ड क्या है। भाई अगर थाली चाहिए आपको तो देखो, राजस्थानी थाली मिलती है, जनता थाली मिलती है, जिसमें ये आइटम है हेरिटेज थाली, तो मैं भाई होटल में बैठा के खिलाएंगे, होटल में बैठा के खिलाते हैं हेरिटेज में। यह है 260 रुपये की, इन्होंने एडिट करे हैं, नए पर्चे लगाए हैं, 220 दिखाता हूँ। ये देखो पहले शायद रेट कम होंगे तो इन्होंने बढ़ा दिए थोड़े बहुत। बाकी खाना जो है भाई एक नंबर है, काफ़ी लोग आते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, ना मेरा कोई पेड प्रमोशन है, ना मेरे इतने सब्सक्राइबर्स है कि मैं पेड करूँ, और ना इनको ज़रूरत है कि ये पेड करवाए अपना। ये अभी मतलब ये मान लो 0.1% भीड़ है भाई, पसीना आया था लोगों को अच्छे में अपने, इतनी भीड़ होती है। आ जाओ भाई, भाई से बोला था कॉफ़ी डाल दे ज़्यादा, भाई ने डाल दिया।
नहीं रुक, हाँ धन्यवाद यार आपको, शुक्रिया भाई, भाई को शुक्रिया, बढ़िया है ना कॉफी पाउडर देखो। नहीं नहीं ठीक है, मैनू मिठा बहुत पसंद है, मैनू मिठा खिला दिया कर, केक ले आया कर, तो भाई ये मिठा मंगा दिया है और पी रहे हैं बाकी। ओ भाई मजा आ गए, कॉफ़ी पाउडर का टेस्ट अलग ही आ रहा है ऊपर से। और बाकी भाई मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ कि आप भी, आपको लोगों को रियल लगे कि हम भी पी रहे हैं, मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे साथ भाई 53 लोग जो है ना सब्सक्राइबर्स वो भी पी रहे हैं। और थूक निकल गया, वो आया नहीं वीडियो में। तो भाई ये इसका मेन्यू कार्ड एक बार चेक कर लो, बाकी मैं अभी दूसरा रेस्टोरेंट जाऊंगा और वो भी फेमस है, तो आप कंपेयर करके मेरे को कमेंट करना अगर जा रखे हो तो, कि उसका सही है इसका सही है। तो भाई बाकी ये मिठाई है और यहाँ पे ढोकला भी मिलता है, अभी बन रहा होगा तो 7:30 पे ख़त्म हो जाता है, बट अच्छा ढोकला। और बाकी भाई मिठाई है, मैंने खाई थी ये वाली, ये मलाई वाली 60 रुपये की है, और रसमलाई भी खा रखी है, रसमलाई भी काफ़ी अच्छी है, इधर मेरे को खाई है उससे तो बढ़िया लगी मेरे को। भाई का फोन आ गया काम के लिए, बाकी ये काउंटर है और अभी चलते हैं यहाँ से, चले भाई अभी खा के तो मैं आ गया, बाकी पापा ने काम दे रखा है, अभी एक बंदे को मतलब सेंटर में पैसे देने हैं, सेंटर में पैसे देने हैं, तो अभी लग रखी है भीड़, तो मैं सोच रहा हूँ कि लिफ्ट ले लूँ वरना मैं रिक्शे से चले जाता, यार लिफ्ट पता नहीं कौन देगा, देखता हूँ मैं। तो यार देखो मैं 20 दिन से रह रहा हूँ और राजस्थानी मैं डेली जा रहा हूँ, मेरा डेली जाना हो रहा है, और मेरे को यहाँ पे मतलब खाना वगैरह अच्छा लगा, बट मेन जो है एक दो जो स्टाफ थे थोड़े मतलब वो थे, जैसे मैंने ढोकला लिया था तो ढोकला जो है काउंटर पे ही लेना होता है पर्ची लेके, तो मैंने क्या करा पर्ची तो दे दी बट मैं बैठ गया और मैंने किसी और से ढोकला मंगा दिया, तो उसमें जो वो बंदा था काउंटर वाला जो मैंने काउंटर से नहीं लिया ढोकला, तो वो बुरा मान गया और वो कह रहा आपने गलत करा, ये गलत करा, जो भी करा मतलब नॉर्मली बोला, हालांकि उसे नहीं बोलना चाहिए था बट कोई नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट वो बंदा उस जगह पे गलत था, मेरे से गलती हुई मैं मानता हूँ, मेरे को पता भी नहीं था, बट हाँ भाई इतना बड़ा बिजनेस है और स्टाफ मेंबर को जो है थोड़ा पोलाइट होना चाहिए कि गलती हो गई कोई बात नहीं, प्यार से बोलता समझाता, बट ठीक है राजस्थानी अच्छा है। बाकी अब चोटी वाला की वीडियो देखो आप। तो भाई अभी जो है राजस्थानी का मैंने आपको दिखा दिया, राजस्थानी रेस्टोरेंट, और भाई ये एक तरीके से फैमिली वाला मान लो, मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत लोग आते हैं खाने के लिए दर बदर भटकते हैं, तो मैं नहीं चाहता वो दर बदर भटकें, उन्हें सीधा जाएं और यहाँ पे खाएं। अब मैं जा रहा हूँ चोटी वाला जो कि फेमस है, बट मैंने उसके नेगेटिव रिव्यूज़ भी सुने हैं कि उसका खाना अच्छा नहीं है, बट थाली थाली अच्छी है, और बाकी वो इसलिए फेमस है दो भाई थे, बाकी उन्होंने अलग अलग चोटी वाला रखा है, और नई ब्रांच भी खुल गई है उनकी, तो अभी हम ब्रांच है उस पर जाके खाएंगे और आपको टेस्ट रिव्यू देंगे कि टेस्ट कैसा है उनका। तो भाई अभी हम आ गए राम झूला, जैसे कि आप पढ़ भी रहोगे, मैं नहीं चाहता भाई कि आप लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो पीछे भाई बोर्ड भी लगा हुआ है राम झूला का, बाकी अभी हम चलते हैं आगे आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं छोटी वाला पे और यहाँ पे आपको टेम्पू वगैरह मिल जाएंगे, ये हरिद्वार वगैरह जाते हैं 60-70 रुपये लेते हैं, अगर आप ज़्यादा बार्गेनिंग करोगे तो 50 से 60 में चले जाते हैं। तो भाई ये जैसे ही राम झूला से नीचे आओगे और आपको मतलब 200-300 मीटर चलना पड़ेगा और आपको छोटी वाला मिल जाएगा, बाकी ये राम झूला है सामने ही, और अभी इसका कंस्ट्रक्शन होगा, अभी लक्ष्मण झूला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस जब लक्ष्मण का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा लक्ष्मण झूला का, तो फिर राम झूला का कंस्ट्रक्शन होगा। तो यार त्रिवेणी पे ये है कि आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट हाँ आप अगर जैसे तपोवन जा रहे हो और लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हो और राम झूला की तरफ, मतलब लक्ष्मण झूला पे आपको कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे बहुत सारे, जो मतलब कैफ़े प्रेडिक्ट करते हैं कि कैफ़े उन्हें अच्छा लगता है, तो उनके लिए भाई कैफ़ेज बन रखे हैं तपोवन की साइड, त्रिवेणी घाट पे नहीं है कैफ़ेज इतने। तो भाई अभी राम झूला जा रहे हैं, ये हरकत मत करो भाई, क्योंकि भाई हम पेडिस्ट्रियंस हैं, और भाई यार यही हरकत नहीं करनी, मैं आपको बता दूं क्या हरकत नहीं करनी आपको राम झूला पे आके। तो भाई राम झूला पे आके फोटो मत खिंचाया करो, क्योंकि जैसे हम आ रहे हैं तो भाई पैदल आ रहे हैं, अब फिर फालतू में आपकी फोटो खराब होगी और हमें भी दिक्कत होती है भाई चलने में, 1-2 सेकंड हमारे खराब हो जाते हैं। बाकी अभी वैसे चोटी वाला जो है वो आपको पास पड़ेगा जानकी से शायद, बट हम राम झूला से आ रहे, एक बार आप चेक कर लेना, मेरे को इतना भी कंफर्म नहीं है कहाँ से पास पड़ेगा, बट हाँ राम झूला से रास्ता जा रहा है उस साइड है, वो दूसरी साइड मुंबई पुणे, अच्छा आ जा।
भाई राम झूला पे बंदर भी हैं और आपने ज़रा से भी खटखट कर दी तो भाई फटफट कर देंगे आपके मोबाइल का, नीचे भी गिरा सकते हैं। वैसे लेते तो नहीं बट हाँ भाई कुछ कह नहीं सकते ना, कब किसका दिमाग मतलब फिर जाए और फ़ोन फेंक दे नीचे। और ये भी नहीं है कि भाई तुम सीधा कूद जाओ फ़ोन लेने के लिए। भाई हम लोग जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाई हक बनता है कि आप लाइक और शेयर करें वीडियो जो है। और बाकी ये रहा है 65 साल से भाई सर्व कर रहा है, अब किसे सर्व कर रहा है ये नहीं पता बट कर रहा है, इन्होंने लिखा हुआ है देखो 65 ईयर्स। तो अभी देखते हैं दो छोटी वाला भाइयों में लड़ाई होगी, तभी कहते हैं भाई लड़ाई में लड़ाई मत करा करो आपस में। और इन्होंने अपना जो दो ब्रांच है वो अलग अलग खोल रखी है। तो भाई इन्हें बहुत चोट लग रखी है तो इन्हें तभी छोटी वाला बोलते हैं। भाई चोट लग रखी है मैं छोटी वाला क्यों बोलते हैं क्या? पहले के जो ओनर थे ना हाँ हाँ वो ऐसे थे, ऐसी थी वो। वो अभी जिंदा है चले गए कहाँ खत्म? अच्छा चले गए। तो भाई 8-8 घंटे बैठते हैं लोग यहाँ पे 12 घंटे। अच्छा एक बंदा मतलब टोटल 2-3 बंदे बैठते हैं या दो ही? बस दो बंदे मतलब एक बंदा 12 घंटे बैठता है। खाना भाई यहाँ का बताते हैं बेकार है, तुमने खा रखा होगा ना, आ जाओ देखते हैं भाई कैसा अच्छा है या बेकार है, आ जाओ। तो अभी भाई एंटर कर गए हैं और बाकी अंदर ये एसी वाला है, अगर इधर बैठोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो भाई एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों देने जब मौसम ठीक हो रखा है। और बाकी अभी देखते हैं क्या मंगाते हैं, बाकी आप कमेंट करना मैं क्या मंगाऊँगा। भैया मेन्यू कार्ड है क्या? तो भाई ये इसका मेन्यू कार्ड है और मेरे को लग रहा है महंगा है काफ़ी, है ना? देखो ये मेन्यू कार्ड चेक करना और मेरे को कमेंट करके बताना। ये देखो तो भाई हम यहाँ पे आए थे, मैंने अभी इसका मेन्यू कार्ड चेक करा और काफ़ी मतलब महंगा है यार सही में। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो ठीक है बट भाई मैं तो अकेला रखा हूँ तो घर वाले पैसे दे देते, अब मैं भाई अकेला हूँ मैं कमा भी नहीं रहा, हालांकि मेरा खर्चा जो घर वाले उठा रहे हैं बट फिर भी चलते हैं आ जाओ। तो भाई ये दूसरा छोटी वाला है जहाँ लड़ाई हो रखी है मतलब, और बाकी दोनों अलग अलग हैं, दो बंदे बैठते हैं, दो वहाँ, 4 टोटल 12-12 घंटे। तो काफ़ी मुश्किल होती है भाई बैठने में, ऐसा नहीं है बैठे रहना पड़ता है, पता नहीं हफ्ते वक्ते का होंगे ये नहीं पता। बाकी इधर भी सेम प्रोसीजर है, ये थोड़ा अच्छा बना रखा है मेरे को लग रहा है क्योंकि लड़ाई के बाद उसे पता है ना पुराना कैसा बना हुआ है और नया कैसा बनाना है, तो ये थोड़ा साफ लग रहा है। और नया ये नया वाला है पुराना ही है? नहीं नहीं। अच्छा तो ये काफ़ी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और बाकी हमारी बातचीत नहीं होती बट भाई काफ़ी खुश रहते हैं ज़िंदगी में। भाई मेरे से काफ़ी बहस करते थे और बहस नहीं कर पा रहे मेरे से। आज छोटी वाले का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, बढ़िया मजा आ गया भाई, टेस्टी था भाई बहुत बढ़िया, हालांकि महंगा था बट कोई नहीं यार महंगा अपने को चलता है क्योंकि भाई हमें प्राइस मैटर ही नहीं करता, हमें मैटर करता टेस्ट। आपने खाना खाया छोटी वाले का कैसा है? क्यों इन्होंने भी नहीं खाया हमारे साथ, आ जाओ। तो भाई अभी चलते हैं बाकी अब सस्ती जगह ढूंढते हैं थोड़ा। अंकल जी को पता चल गया कसम से, आपने वो तो हो लेकिन नहीं वैसे तो इनसे हो गए ना। हाँ तो भाई ने पता, इन्होंने सही हाथ लगाया, हमने खाया नहीं। आपको कैसे पता चला हमने खाया नहीं? भाई जान गए अंकल, हमारे औकात पता चल गए अंकल को कि हम गरीब हैं। आ जाओ ब्लॉग में आना, आपको ब्लॉग में आना है मेरे, आपने ब्लॉग है? हाँ हाँ स्टार्ट करा है मैंने। तो भाई अभी अंकल जी मिले, बेटा आ रहा है। अच्छा ये अरे भाई, हाय आप कहाँ से हैं? लखनऊ से आ रखे हैं क्या बड़ा? तो भाई ब्लॉग जो है वो एंड करते हैं, बाकी वीडियो जो है भाई जो बाकी वीडियो जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई स्टे अपडेटेड, जय श्री राम।